हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। तो आज हम समझेंगे कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। चलो पहले हम एक सिंपल एक मॉलिक्यूल इसको मॉलिक्यूल को देखते हैं। हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है जो कार्बन, यहाँ पर दिस इज द सेंट्रल कार्बन, और जिसके साथ एक ग्रुप सी ओ एच जुड़ा हुआ है, एक सी एच थ्री जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के सामने एक मिरर रखता हूँ तो इसकी इमेज मुझे क्या दिखेगी? कुछ मिरर इमेज मुझे ऐसे दिखेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सी ओ एच के सामने सी ओ एच है, सी एच थ्री के सामने सी एच थ्री, सी एच थ्री के सामने सी एच थ्री, और जो हाइड्रोजन इधर लेफ्ट में है तो ये इधर राइट में चला गया। तो ये एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्टली हमें क्या दिख रही है, हमारे को ये मिरर इमेज दिख रही है। अब सपोज मैं इस मिरर इमेज को यहां से, सपोज मैं यहां हमारा जो सी ओ एच है यहां से इसको पकड़ के यहां से इसको ऐसे रोटेट करता हूं बाय 180 एंगल। अगर इसको 180 एंगल से मैं इसको पूरा इस मिरर इमेज को रोटेट करता हूं तो मुझे कुछ इमेज इसका रोटेशन के बाद क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का एक फिगर, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब आप सपोज ये जो हमारा, इसको मैं मान लेता हूं ए, और आफ्टर रोटेशन जो इमेज बनी है वो है बी। तो देखो पहले ए, और ये क्या है, ये इसकी मिरर इमेज है, और इस मिरर इमेज को मैंने यहां से सपोज इस एटम को पकड़ के, इस फंक्शन ग्रुप को पकड़ के 180 घुमा दिया, तो मुझे क्या मिला? कुछ इस तरीके से इमेज मिली है। अब आप ए और बी को कंपेयर करें। अब ए और बी को अगर आप देखोगे तो यू विल फाउंड कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और अगर आप इसको सुपर इंपोज करने का चाहोगे, यानी अगर इस बी को मैं इस ए के ऊपर रखता हूं तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को, सारे एटम्स एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी वो पूरी तरह कंप्लीटली इसको सुपर इम्पोज कर लेंगे। एच से ये वाला हाइड्रोजन कवर हो जाएगा, सी ओ एच सी ओ एच से कवर हो जाएगा, और सी एच थ्री सी एच थ्री, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर ये हमारे पास ये ए है और ये जो बी है जो बना था इसकी मिरर इमेज को रोटेशन करने के बाद ये जो मिला था, अगर मैं इसको चाहूं तो ये कंप्लीटली एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सेकेंड थिंग कि यहां आप एक कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते हैं। अगर ऐसा कोई भी प्लेन जो इस मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली आइडेंटिकल हाफ में कट करते, तो यहां देखेंगे तो कहां से ये प्लेन पास हो रहा है? ये प्लेन पास हो रहा है इस सी ओ एच से, इस हाइड्रोजन से, और इस कार्बन, ये जो बिल्कुल सेंटर में आपको कार्बन दिखाई दे रहा है इसको बिल्कुल आधा काटेगा, हाइड्रोजन को आधा काटेगा और सी ओ एच को आधा काटेगा। तो ये एक प्लेन, अगर यहां से इसको मैं पास ऑन करता हूं तो आइडेंटिकली मुझे एक और आइडेंटिकल इमेज मिलेगी, जहां एक तरफ सी एच थ्री है तो उसकी उधर मुझे क्या दिखाई देगा? सी एच थ्री दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। और नेक्स्ट थिंग कि अगर ये कार्बन देखें तो ये इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? इस कार्बन को हम कहेंगे ए कायरल कार्बन या ए कायरल सेंटर। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर इस कार्बन से दो एग्जैक्टली सेम जुड़े हुए हैं, दैट इज सी एच थ्री और सी एच थ्री। तो ऐसा कोई भी कार्बन जिससे अगर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ते हैं उसको तो हम क्या कहते हैं? ए कायर, ए उसको हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। लेकिन यहां पर चारों डिफरेंट नहीं है, यहां पर दो एक जैसे हैं, वो है सी एस थ्री और सी एस थ्री। साथ के साथ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास ऑन हो रही है फ्रॉम सी ओ एच, इस कार्बन से और इस हाइड्रोजन से। तो इसका जो अगर हम यहां से कट करेंगे तो एग्जैक्टली वी गेट द सेम मॉलिक्यूल। तो इधर हाफ और उसका दूसरा जो हाफ होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसका मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ए और सपोज ये जो हमारा मिरर इमेज है, इस मॉलिक्यूल की एग्जैक्टली मिरर इमेज तो हमारे को दिखाई दे रही है। तो इसकी तो मिरर इमेज हमारे को दिखाई दे रही है, तो इसका क्या है? दे आर द सेम मिरर इमेज, ऑब्वियसली यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई दे रही है मिरर इमेज।
लेकिन यहां पर जो मिरर इमेज है आफ्टर रोटेशन बाय 180 डिग्री, वो क्या करती है? वो बिल्कुल कंप्लीटली एक दूसरे को ढक देंगे मॉलिक्यूल्स, यानी वो कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाती है। अगर सुपर इम्पोज यहां पर हो रही है तो ये इनको हम एनेंशियोमर्स नहीं कह सकते। तो ये क्या है? दीज आर नॉट अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स तो नहीं है ये, लेकिन हाँ एक दूसरे के मिरर इमेजेस जरूर है। लेकिन मिरर इमेज क्या हो रही है? वो कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो रही है। सुपर इम्पोज होने का मतलब है कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे को, सारे एटम्स एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल को। यहां पर ये हमारे पास सेंटर में क्या है, दिस इज द कार्बन, और यहां आप देखोगे तो एक है CH3 है, यहां पर COH है, यहां पर OH ग्रुप है, और यहां पर हाइड्रोजन है। तो अब इस कार्बन को हम क्या कह सकते हैं? इस कार्बन को हम कह सकते हैं कि ये एक कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर क्या हो गया, या कायरल कार्बन क्या हो गया? वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज, किसी सब ही जो कार्बन चारों वैलेंसीज हैं वो किसी अलग अलग डिफरेंट एटम या ग्रुप से अगर अटैच्ड हैं, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। चलो अब इसके सेम वही करते हैं। यहां हमने मिरर लगा दिया, तो जो इसकी मिरर इमेज होगी कुछ वो इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो एग्जैक्टली वी गेट इन फ्रंट ऑफ CH3, मुझे CH3 दिखाई दे रहा है, COH के सामने COH दिखाई दे रहा है, OH के सामने OH दिखाई दे रहा है, और हाइड्रोजन पीछे है इधर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मुझे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो सेम फिर करते हैं हम इसी CH3 को पकड़ के, यहाँ पर ये जो इस जो मिरर इमेज है इसको हम रोटेट करते हैं। सपोज ये जो एटम है यहाँ से इसको पकड़ कर 180 अगर मैं इसको घुमाता हूँ, तो मुझे इसकी जो आफ्टर रोटेशन क्या मिलेगा, कुछ एक्जैक्टली मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब मैंने इसको 180 घुमा दिया 180 डिग्री से, तो जो इमेज बनी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब हम क्या करें, इस जो आफ्टर रोटेशन इसको अगर मैं सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर, तो आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है उसके नीचे एग्जैक्टली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और CH3 के नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली CH3 दिखाई देगा, और ये जो कार्बन है ऑब्वियसली तो यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे कार्बन दिखाई दे रहा है। तो यानी हाइड्रोजन के नीचे बिल्कुल हाइड्रोजन आ रहा है, CH3 के नीचे CH3 आ रहा है, और इस कार्बन के नीचे बिल्कुल कार्बन आ रहा है। लेकिन क्या इस OH, ये जो ग्रुप है OH, क्या उसके नीचे बिल्कुल क्या OH आ रहा है? नहीं, यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, COH दिखाई दे रहा है। और दूसरा यहाँ जो ऊपर COH है उसके नीचे एग्जैक्टली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, OH। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिरर इमेज आफ्टर रोटेशन बाय 180 डिग्री वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। हालांकि वहां पर जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी सुपर इम्पोज हो गया, यहाँ पर CH3 भी सुपर इम्पोज हो गया, और ऐसे ही कार्बन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, लेकिन जहां OH है और जहां COH है वो किसी भी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो यहाँ नोटिस करने की क्या बात है कि यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल का यहाँ पर कायरल सेंटर है, और इस मॉलिक्यूल की ये मिरर इमेज है, लेकिन ये मिरर इमेज इसके ऊपर ओरिजिनल मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के पास तो मिरर इमेज बिल्कुल सामने वो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, वो सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी उसकी जो मिरर इमेज है वो किसी भी तरीके से उसकी जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है। अच्छा अब यहाँ पर ये कायरल सेंटर होने की वजह से यहाँ पर देखो अगर मैं इस पे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी हो सकती है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है यहाँ पर, और वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, लेकिन इसमें ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है मुझे, और ना कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहीं से भी अगर इसमें हम ऐसा कोई प्लेन या ऐसा कोई सेंटर देखें जहां से मुझे बिल्कुल ये आइडेंटिकल दिखाई दे, या बिल्कुल ऐसा कोई प्लेन जो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली कट कर दे, तो कहीं पर भी इस मॉलिक्यूल के अंदर
कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज क्या है, वो नॉन सुपरइम्पोजिबल है और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो सभी इसके अंदर एब्सेंट है। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर द पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो मिरर इमेज हो लेकिन मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। तो एनेंटियोमर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोमर्स हुज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज बने लेकिन वो मॉलिक्यूल की जो इमेज बन रही है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। सो बट दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को वो इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में विद सेम मैग्नीट्यूड से बट रोटेट करेंगे। क्या करता है ये प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल को इक्वली वो क्लॉकवाइज घुमाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा बट विद द सेम मैग्नीट्यूड। लेट्स सी वन एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखो अगेन, ये हमारा क्या है, कार्बन, और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो है काइरल कार्बन। यहाँ पर भी काइरल कार्बन है क्योंकि सारे जो ग्रुप्स, ये जो एटम्स लगे हुए हैं, ये सारे अलग अलग है। यहाँ CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ CH2OH है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो अगर इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो वो इस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी। तो इसके क्या है, इसके ये बनाएगा एनेंशियोमर्स की पेयर्स। तो एनेंशियोमर्स की पेयर बनाएगा, और तो एनेंशियोमर्स की पेयर बनेंगे तो या तो वो बनेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी या वो बनेगा लिवो रोटेटरी। तो अगर अब हम इसका स्पेसिफिक रोटेशन देखें इस मॉलिक्यूल का, तो यहाँ हमें दिखेगा कि इसका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी प्लस, यानी जो क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो इसको इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना दिखाई दे रहा है हमारे को, दैट इज +5.90 डिग्री। और साथ के साथ इसका ऑब्वियसली एक लीवर रोटेटरी भी होगा जिसका रोटेशन होगा, दैट इज -5.90। यानी ये दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी ये दोनों मॉलिक, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएंगे लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर इसका जो +2 मिथाइल 1 बुटनॉल है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन अगर +5.90 आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, यानी उसका जो दूसरा एनेंशियोमर होगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितनी घुमाएगा, वो घुमाएगा एग्जैक्टली विद द सेम मैग्नीट्यूड, और वो कितना होगा, -5.90। तो अब यहां हम देखते हैं कि फंडामेंटल कंडीशन किसी भी एनेंशियोमर्स के लिए क्या होनी चाहिए। तो यहां हम देखते हैं कि जो कायरलिटी है, ये जो कायरलिटी है, इट इज द फंडामेंटल एंड ओनली कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी एन एनेंशियोमर। तो अब यहां कायरलिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या है, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन, वो उसका मतलब है कि जो भी कायरल कार्बन है, यानी वो चार डिफरेंट एटम्स या कोई ग्रुप से लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जो कायरलिटी का मतलब है कि कायरलिटी यहाँ हम समझेंगे, तो कायरलिटी का मतलब है कि यहाँ मिरर इमेज है वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, दिस इज द कायरलिटी। चाहे से उसके पास कायरल सेंटर हो या कायरल सेंटर ना हो, अगर कायरल कार्बन है या नहीं है, उससे वहां पर वी कांट प्रेडिक्ट के वेदर दीज आर द पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स या नहीं। लेकिन कायरलिटी, यह जो वर्ड है, ये कायरलिटी, इसका मतलब है कि जो मिरर इमेज बन रही है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसके अगर हम प्लेन एक मिरर सामने लगाते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी मिरर इमेज तो बनेगी बनेगी, लेकिन वो उसकी जो मिरर इमेज है वो हमेशा मॉलिक्यूल के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। तो अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो उन पेयर्स को हम एनेंशियोमर्स कह सकते हैं, चाहे से उसके पास कोई कायरल सेंटर हो या कायरल कार्बन हो या ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं एलिन्स में,
एलियंस के अंदर यहां देखो आप कि यहां दिस इज द एलियंस, इसको हम क्या कहते हैं, एलियंस कहते हैं। तो यहां पर कहीं पर भी कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, इसके अंदर कहीं पे कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहीं पर भी नहीं है। लेकिन यहां अगर इसके सामने हम मिरर रखते हैं तो इसकी मिरर इमेज कुछ बनेगी इस तरीके से। और मैं अब इसको, इस मिरर इमेज को उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहूंगा तो ये किसी भी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, और जो CH3 है दैट इज टूवर्ड्स द व्यूअर है। तो अभी बिकॉज यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन से यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ रोटेशन जो हो सकता था वो हिंडर्ड है, दैट इज ड्यू टू द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की वजह से इसका जो रोटेशन है वो हिंडर्ड है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता जैसा कि सिंगल बॉन्ड में हो सकता है। और उसकी वजह से जितने भी एटम्स जो जहां पर जो उनका स्पेस में अरेंजमेंट है वो हमेशा एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो अब ये इसकी जो मिरर इमेज बनी है, ऑल दो इसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करना चाहूंगा तो ये कभी भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। तो कायरलिटी, ये जो वर्ड है कायरलिटी, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कायरल सेंटर से हम उसको बात कर रहे हैं कि उस पे कायरल सेंटर या कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरलिटी का यहाँ मतलब है कि जो भी हमारी मिरर इमेज बनेगी वो इस अपने जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कायरलिटी। तो दैट इज द मेन एंड द फंडामेंटल एंड ओनली कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी एनेंशियोमर। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनेंशियोमर्स। पहला इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी एनेंशियोमर्स होते हैं उनका आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी सभी की बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटी हो गई या डेंसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो सभी क्या है, उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है। और इसी के वजह से एनेंशियोमर्स को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो उनको सेपरेट करना बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी, वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा, उनका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखें तो वो भी हम हमें दिखता है कि वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल होती, यानी उनका जो केमिकल रिएक्शंस है वो भी सेम होंगे, और उनका जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उनकी एनेंशियोमर्स की पेयर्स की वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। तो इसकी वजह से जो उनका सेपरेशन है दैट इज अ वेरी वेरी टीडियस जॉब, उसको बहुत सेपरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब ये इनमें डिफरेंस कहाँ है, क्योंकि इनकी तो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो इनमें अंतर कहाँ पर आता है, वो है इनके पास कि दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम शुगर इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर तो वो दोनों फॉर्म में होती है, वो डेक्स्ट्रो भी होगी वो लीवो भी होगी, यानी यानी वो प्लस भी है और वो नेगेटिव भी है। लेकिन देखो हमारी बॉडी के अंदर जो प्लस यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है वो आराम से मेटाबोलाइज हो जाती है बॉडी के अंदर, जबकि जो नेगेटिव है यानी लेवो रोटेटरी शुगर है वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं वहां पर कहीं ना कहीं इनमें अंतर होता है। तो जितना हमारा बॉडी में शुगर इनटेक होता है उसमें से केवल और केवल प्लस शुगर यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो मेटाबोलाइज होता है, बाकी जो नेगेटिव पार्ट है शुगर का वो बिल्कुल भी मेटाबोलाइज नहीं होता। नेक्स्ट, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इक्वली एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अभी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि वो पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में रोटेट करते हैं। तो
आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनका जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग है, और उनका जो बिहेवियर है, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट वो बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी लेकिन विद द सेम मैग्नीट्यूड. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेंशियमर्स. नेक्स्ट इज डायस्टीरियोमर्स. लेट्स सी दीज एग्जाम्पल. यहां पर हमारे पास ये चार एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं. अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड के बीच में एक मिरर रखता हूं, तो यहां हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है और सेकेंड है वो क्या है, वो एक दूसरे की एग्जैक्टली मिरर इमेज मुझे दिखाई दे रही है. CH3 के सामने CH3 है, OH यहाँ है, तो OH बिल्कुल उसके सामने है, H के सामने H है यहाँ पर, और बिल्कुल ये फर्स्ट और जो सेकेंड है वो क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है. और यहाँ पर तो कायरल कार्बन भी है, और यहाँ पर दो दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है. तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड, हम कह सकते हैं अगर मैं सेकेंड जो मिरर इमेज है इसको फर्स्ट पे सुपर इम्पोज करना चाहूंगा, तो ये किसी तरह से भी सुपर इम्पोज नहीं होगी. तो मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट और सेकेंड है वो क्या है, दीज आर द पेयर ऑफ एनेंशियमर्स. ऐसे ही अगर थर्ड और फोर्थ के बीच में एक मिरर रखते हैं हम, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एग्जैक्टली दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. और यहाँ पर भी इस मिरर इमेज यानी फोर को अगर मैं थर्ड पे सुपर इम्पोज करना चाहूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा. तो इसका मतलब जो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड जो पेयर्स हैं, वैसे ही थर्ड और फोर्थ ये क्या है, दीज आर द पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स. लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं डायस्ट्यूमर्स की, तो डायस्ट्यूमर्स क्या होंगे. अब चलो, यहाँ अगर आप फर्स्ट को या थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को, या सपोज चलो पहले यहां देखते हैं हम सेकेंड और थर्ड को देखते हैं. यहाँ आप, मैं यहाँ पर कोई मिरर नहीं लगा रहा हूं, यहाँ आप देखो कि अगर हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर CH3 के सामने CH3, H के सामने H है. तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, इसका जो हाफ पार्ट है, दिस पार्ट, और ये पार्ट, ये मुझे क्या दिखाई दे रही है, ये तो मुझे दिखाई दे रही है कुछ मिरर इमेज. लेकिन यहां पर, यहां देखो, यहां Cl है और यहां H है, तो इसका जो हाफ पार्ट है वो मिरर इमेज नहीं दिखाई दे रहा. तो सेकंड और थर्ड, ये तो ना तो ये आइडेंटिकल है एक दूसरे के, ना तो ये बिल्कुल मिरर इमेजेस है, ना तो एक जैसे हैं और ये ना मिरर इमेजेस है. चलो अब फर्स्ट और थर्ड को देखें, तो फर्स्ट और थर्ड को भी देखेंगे तो इसका जो लोअर पार्ट है, जो यहाँ फर्स्ट का और थर्ड का लोअर पार्ट है, वो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वो तो मिरर इमेज दिखाई दे रहा है एक दूसरे का, लेकिन जो अपर पार्ट है वो सेम है. लेकिन कुल मिलाकर अगर फर्स्ट और थर्ड को देखें तो ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस दिखाई दे रही है, या ना ये मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिखाई दे रही है. अच्छा, अब यहाँ अगर हम थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ को भी देखते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ को भी यहाँ पर आप देखोगे, तो इसमें भी देखोगे कि जो फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, हाफ पार्ट, वो क्या है, वो मिरर इमेजेस हैं, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो मिरर इमेजेस नहीं है. तो ऐसे अगर हम कुछ पेयर्स देखते हैं, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये क्या है, दीज आर द पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स. तो अभी डायस्टीरियोमर्स और एनेंशियोमर्स में अंतर क्या है. एनेंशियोमर्स में अभी देखा कि वो क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस फर्स्ट और सेकंड में, और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है. लेकिन डायस्टीरियोमर में देखो आप, ना तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, ना वो आइडेंटिकल है, तो उनको हम क्या कहते हैं. तो ऐसा कोई भी पेयर जो ना तो आइडेंटिकल हो ना वो उसको मिरर इमेजेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स. तो डायस्टीरियोमर्स क्या कहलाएगा, तो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नाइदर आइडेंटिकल, यानी एक जैसे भी नहीं दिखाई दे रहे हमारे को एग्जैक्टली पूरा, और ना तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे डायस्टीरियोमर्स. ना तो आइडेंटिकल होना चाहिए या ना वो मिरर इमेज हो,
ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स हम उसको कहेंगे। तो यहां पर जो डिफरेंस है एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में, वो यहां पर देखो कि यहां पर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि स्टीरियो आइसोमर्स में, जहां एनेंशियोमर्स की बात कर रहे थे वहां एग्जैक्टली आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जहां डायस्टीरियोमर्स आ गया वहां पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब जो भी पेयर्स होंगे डायस्टीरियोमर्स का, उनका बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो या डेंसिटीज हो, वो डिफर होंगी। क्रोमेटोग्राफी या बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रोमेटोग्राफी, वो बहुत ही इजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, अब यहां जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है, नॉट आइडेंटिकल। एनेंशियोमर्स में क्या थी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यहां ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है बट नॉट आइडेंटिकल। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर जनरली डिफरेंट, जबकि एनेंशियोमर्स में रेट ऑफ रिएक्शन थी वो सेम थी। तो इसके वजह से यहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस में, और इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं एज कंपेयर टू एनेंशियोमर्स, जहां की वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। ये भी रोटेट करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन हो सकता है कि स्पेसिफिक रोटेशन हो इनका, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करें, और जरूरी भी या तो कर सकते हैं और कई बार वो नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक रोटेशन है किसी डायस्टेरियोमर्स का हो सकता है, किसी डायस्टेरियोमर्स का नहीं हो सकता, बट दे विल नॉट रोटेट। जो पेयर है डायस्टेरियोमर्स का वो प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वली और अपोजिट मैग्नीट्यूड पे नहीं घुमाते हैं। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डायस्टेरियोमर्स एंड एनेंशियोमर्स।